नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। मुझसे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग अपडेट मिल जाएंगे। और हम बनाएंगे सोया पनीर दम बिरयानी। और सोया पनीर दम बिरयानी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़, चलिए देख लेते हैं। इलायची, जायफल और जावित्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, घी, ऑनियन, ब्राउन ऑनियन जिसको हमने काट के और तेल में फ्राई कर लिया, कोरिएंडर, पुदीना, पनीर, ये सोया बड़ी जिसको हमने भिंगा कर रखा है, राइस हमने भिंगा कर रखा है, करीब आधा घंटे पहले राइस को भिंगाना है। और सबसे पहले राइस बना लेते हैं। तो चलिए, हम पानी उबल गया हमारा और ये देखिए पानी उबल रहा है। हमने इलायची, जो भी खड़े मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए, दो चार इलायची, दो चार लौंग, तेजपत्ता, जावित्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। तो आप इस तरीके से इस पानी को भी कलर छोड़ देने चाहिए, पूरा जो हमने गरम खड़े मसाले डाले हैं कलर छोड़ने चाहिए। अब हमने राइस डाल देते हैं, ये देखिए। और जो हम राइस बना रहे हैं ये देखिए, और इसमें करीब हमने जो लिया है पानी, ये देखिए इस तरीके से उबलने देंगे। और पानी जो लिया हमने इसमें 2.5 लीटर, ये देखिए ये राइस हमारा हो गया है, मतलब हल्का सा और पकना बाकी है ये करीब। और इसको हम छान देते हैं, ये हमने छान दिया राइस के लिए। देखिए राइस हमारा इसमें 80% राइस पक जाने चाहिए, 20% कच्चा होने चाहिए, जब हम दम लगाएंगे उस टाइम पक जाएगा। और चलिए हमने घी लेंगे, घी डाला हमने, जो घी डाला इसके अंदर, गार्लिक डाला, तेजपत्ता 1-2 पीस, चौम मसाला का है तो चौम मसाला डाल दीजिए, ना तो पहले प्याज डाल दीजिए फिर टमाटर डाल के आप चौम मसाला बना सकते हैं। और हमने दही डाला और थोड़ा सा पानी डालेंगे। जो चौम मसाला लिया हमने इसमें 100 ग्राम लिया है बना हुआ चौम मसाला, हल्की सी हल्दी डाली हमने 7 से 8 ग्राम, हमने 7 से 8 ग्राम गर्म मसाला, 7 से 8 ग्राम गरम मसाला, 7 से 8 ग्राम किचन किंग मसाला, 7 से 8 ग्राम रेड चिल्ली पाउडर, 7 से 8 ग्राम चाट मसाला, नमक, राइस में भी नमक डाला था तो यहाँ पे थोड़ा सा कम डालना है। और ये बिरयानी मसाला जो लास्ट में डाला वो बिरयानी मसाला 7 से 8 ग्राम, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। और ये हमने सोया बड़ी डाली, कोरिएंडर भी डाला है भाई, कोरिएंडर पाउडर 7 से 8 ग्राम, सारे इंडियन मसाले डालने हैं पिसे हुए, केवड़ा जल थोड़ा सा, आपको बताऊं तो ये गुलाब जल ये 10-10 ड्रॉप डालने हैं, थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। और ये जो पनीर हमने फ्राई कर लिया था, क्यूब में काट कर रखा था, पनीर फ्राई करके डाल देंगे। सोया पनीर दम बिरयानी, चलिए हम दम लगा देते हैं। थोड़ा सा इसमें से हमने निकाल ली थी जो हमने मसाला बनाया, वो मसाला थोड़ा सा निकाल लिया। और राइस हमने जो पकाया था वो ये देखिए, जो हमने मसाला निकाला था वापस हमने इसके ऊपर लगा दिया, एक लेयर राइस की लगाई और फिर हमने ये मसाला इसके ऊपर लगा देंगे। और अब राइस लगाएंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए पैक कर देंगे। हमने इसमें पुदीना डाला, ब्राउन ऑनियन डाली ऊपर से, इलायची पाउडर 7 से 8 ग्राम, गुलाब जल, केवड़ा जल ये 1/4 टी स्पून, मतलब कि 3 से 4 ग्राम डालना है, थोड़ा सा देसी घी 1 चम्मच करीब 10 से 12 ग्राम,
देसी घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो हम बिरयानी हमारी टोटल बनेगी वो 500 से 600 ग्राम बनेगी। ये हल्का गुड़ाला रोगन, और इसको हमने पैक कर दी बिरयानी को, ये देखिए। और नीचे हमने तवा लगाया, ये देखिए काला तवा दिख रहा है ना, ये तवा लगाया काला हमने, और इसके ऊपर हम दम लगाएंगे ताकि हमारा राइस डायरेक्ट जले नहीं, ना तो अगर हम डायरेक्ट भट्टी पे रखेंगे तो जल जाएगा। और हमने सिल्वर फॉइल से पैक करा है, आपके पास बर्तन है तो बर्तन से कर सकते हैं, बर्तन नहीं है तो आप सिल्वर फॉइल से भी पैक कर सकते हैं, इस तरीके से दम लगा सकते हैं। या उसके साइज के कोई बर्तन है तो लगा दीजिए, और हल्का सा साइड में आटा लगा दीजिए। देखिए हमारी बिरयानी हो गई, 10 से 12 मिनट में हमारी बिरयानी पक जाएगी दम लगा के, और ये हमारी दम बिरयानी रेडी। चलिए आप लोगों को गार्निशिंग करके दिखाते हैं, थोड़ा सा सर्व करके, काफ़ी टेस्टी लगती है। सोया पनीर बिरयानी दम, ये कितनी प्यारी देखा, हाँ 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 मज़ा आ गया, वेरी नाइस। तो इस तरीके से सर्व कर लेंगे, और हमारी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को सोया पनीर बिरयानी दम कैसी लगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। और काफ़ी बिरयानी हमने डाली हैं तो आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा, और 600 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखे हैं हमने, 600 से ज़्यादा रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, जाके चेक कर लीजिए। और आप लोग सेव भाजी की 5 प्रकार की ग्रेवी लिंक दे दूँगा, जाके चेक कर लीजिएगा, और जो चौम मसाला भी उसी में है 5 प्रकार की ग्रेवी में, आप देख सकते हैं। Thank you.